चंदन जी, देखिए मेटल स्पेस अब तक बहुत तेजी से ऊपर भागता हुआ नजर आ रहा था और बहुत सारे चमकते सितारे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे थे जहां तक मेटल स्पेस का सेक्टर का सवाल है। लेकिन टाटा स्टील, यहाँ पर मैं चाहूंगी थोड़ा सा फोकस करिए। जिस प्रकार का चार्ट्स पर मूवमेंट दिखा है, क्या लग रहा है, नए शॉर्ट्स की तैयारी करनी चाहिए क्या? नेहा जी, देखिए मेटल एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले साल भी परफॉर्म किया था और इस साल में कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है। एक तरफ आप निफ्टी को देखो तो रिसेंट लोस पे आसपास ट्रेड कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप मेटल काउंटर्स को देखें रिसेंट वीकली मंथली क्वार्टरली हाइज के आसपास चल रहा है। तो मेटल काउंटर स्ट्रेंथ है, हो सकता है बाजार की गिरावट के साथ यहाँ पे गिरावट बननी चाहिए। 5 दिन पहले इसने लगभग 120 का हाई बनाया, आज भी 119.75 का हाई बनाया, तो 120 एक इमीडिएट हर्डल है और वहाँ पे कॉल राइटिंग भी देखने को मिल रही है, बट स्ट्रक्चर वीक नहीं है। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग बन जाए बिकॉज वीडियो मार्केट थोड़ा सा नाराज है। तो मेरा तो ऐसा ही मानना है कि यदि आप कोई भी पोजीशन बनाते हो मंदी की तरफ तो 120-150 के लेवल को ध्यान रखें। डाउन साइड में 114-115 आता है तो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बना सकते हो। तो फिलहाल तो 114-120-150 की रेंज है, इनफैक्ट नीचे के लेवल पे आता है तब मैं बाय ऑन डिक्लाइन के साथ यहाँ पे जाना पसंद करूंगा विद द व्यू कि मार्केट भी स्टेबिलिटी ले लेगा और स्टॉक मेन लेवल से वापस रिकवरी बनेगी। अभी का सवाल लेंगे, इनका सवाल है व्हाट्सएप पे और इनके पास है टाटा स्टील के 2000 शेयर 110 रुपए के भाव पर। IEX के भी शेयर हैं 800-172 के भाव पर। पहले चर्चा करेंगे टाटा स्टील की। अब आशीष जी, हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स में आज भी रौनक है और हालांकि बहुत बड़ी तेजी नहीं है फिर भी बाजार कमजोर है, उस बीच में अगर ये शेयर चमक रहे हैं तो अच्छा ही कहना चाहिए। 110 के भाव पर टाटा स्टील है, क्या निवेशित रहे? बड़ी क्वांटिटी में शेयर है इनके पास, निवेशित रहने की सलाह है क्योंकि स्टील के प्राइसेस में थोड़ा सा अपटेक दोबारा देखने को मिल रहा है। 2-3 महीने के ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पर स्टील के प्राइसेस पहुंच चुके हैं और इसके अलावा एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छी डिमांड है जिनका फायदा इन कंपनीज को मिलेगा। और तीसरा, जैसे चाइना का जो ओपनिंग अप हो रहा है तो उसका भी बेनिफिट सारी स्टील कंपनियों को मिलने वाला है। तो मेरी सलाह रहेगी कि टाटा स्टील में बने रहे। इसका अगले 6 महीने का लक्ष्य मेरा 130-135 रुपए का है। इसी तरह न्यू फ्रेश वीडियो देखने के लिए शेयर अपडेट ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। बाय बाय एंड टेक केयर।